जो उस सिंबल से जीत के आता है, मैंने बताया इससे पहले भी कि वो सिर्फ एक कठपुतली होता है और जो दिशा निर्देश पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी करते उतना ही काम करता है। जैसे एक घर का एम्प्लाई होता है कि एम्प्लाई को जितना बोलेंगे उतना ही वर्क करेगा। क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो है गोरखपुर का विकास नहीं चाहते हैं? अब ये तो जय भाई गोरखपुर का अगर कठपुतली ही मान लीजिए, जो मेयर हैं या फिर जो पार्षद हैं, अगर कठपुतली ही मान लीजिए, तो क्या लगता है योगी आदित्यनाथ गोरखपुर का विकास नहीं चाहते? नहीं, गोरखपुर का विकास अगर योगी आदित्यनाथ जी चाहते तो इससे पूर्व में भी 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे और अब भी मुख्यमंत्री हैं। सिवाय लोगों को घरों तोड़ने का, रोड चौड़ीकरण करने का और मंदिर से एयरपोर्ट अपने मार्ग को सही कराने के अलावा अगर गोरखपुर में उन्होंने कुछ और कराया हो तो आप दिखा सकते हो। कि आपने कहा कि महापौर जी कठपुतली हैं, एक बात हमको समझाइए कि जब आप जो है महापौर बन जाएंगे, योगी आदित्यनाथ जो है CM रहेंगे, जो तमाम चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द घूमती हैं गोरखपुर से जुड़ी हुई, क्या लगता है उस समय जो विकास कार्य है तेजी मिल पाएगी या फिर रुकावट आएगी? दिल्ली में जो है नगर निगम ने हाउस टैक्स को बढ़ा दिया था, हालांकि अब उन्होंने वापस ले लिया है, पुराने तौर पे ही जो है हाउस टैक्स वसूले जाएंगे। क्या लगता है कि जो हाउस टैक्स है उसको ये चुनाव के मद्देनज़र वापस ले लिया गया है या फिर कोई और कारण है या फिर जनता के विषय में सोचकर ही ये निर्णय लिया गया? नमस्कार, आप उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ विक्की सिंह। नगर निगम का जो चुनाव है वो लगातार करीब आ रहा है और ऐसे में जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो लगातार अपने क्षेत्र में प्रयासरत हैं कि उनको जो है जनता का एक सपोर्ट मिल सके। ऐसे में हम गोरखपुर नगर निगम में लगातार कवरेज करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको जिस शख्सियत से अभी आपसे रूबरू कराएंगे उनका नाम है अशफाक हुसैन साहब। ये कौमी एकता के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपको बता दूं कि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह तले मेयर उम्मीदवारी कर रहे हैं मेयर पद की। ऐसे में इनसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर सीताराम जायसवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी से मेयर हैं, क्यों लगता है कि गोरखपुर में मेयर पद का जो पद है वो परिवर्तित होना चाहिए? सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए कि ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि परिवर्तन जो है गोरखपुर में होना चाहिए आपके तौर पर? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि गोरखपुर में ऐसी कौन सी कमियां हैं जो इस समय आपको नज़र आ रही हैं? देखिए, गोरखपुर में तो बहुत सी कमियां हैं और जो आशा भारतीय जनता पार्टी जी थी कि मुख्यमंत्री होने के बाद परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज मुख्यमंत्री हुए हैं, गोरखपुर जनपद के मुख्यमंत्री हुए हैं, गोरखपुर को एक अलग पहचान मिलेगी, पर ऐसा नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा कि अरबों रुपये का शिलान्यास सिर्फ पत्थरों पर हो रहा है, ज़मीनी कोई विकास दिख नहीं रहा है। और रही बात मेयर सीताराम जायसवाल जी की, ऐसे पहले के भी जो मेयर रहे हों, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी के एक कठपुतली बन के रहते हैं, ना कि महापौर बन के रहते हैं। और जो भी दिशा निर्देश मंदिर और महाराज जी का होता है बस उतना ही काम करते हैं, अपनी समझ से या अपने परे से कोई काम नहीं करते हैं। अच्छा, हम लोग इस समय लगातार वार्ड कवरेज कर रहे हैं, जो वार्ड के प्रत्याशी हैं, पार्षद प्रत्याशी हैं, उनसे लगातार वार्तालाप हो रही है। इस संदर्भ में हमने एक बात उनसे रखी कि मेयर साहब का जो बर्ताव है, महापौर साहब का जो बर्ताव है, वो कैसा है आपके प्रति? उन्होंने कहा बड़ा अच्छा है। ऐसे में अगर 70 वार्ड है, अब तो 80 वार्ड हो चुके हैं, चुनाव जब होगा तो 80 पार्षद चुने जाएंगे, क्या लगता है कि जहां 70 पार्षद जो है वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि महापौर साहब का जो व्यक्तित्व है वो उदार व्यक्तित्व है और काम के सिलसिले में अगर हम उनके सामने कुछ समस्या लेकर जाते हैं तो सुनते हैं, ऐसे में किसी और प्रत्याशी का उम्मीदवारी करना और फिर जीतना, क्या लगता है कितना कठिन होने और कितना आसान होने वाला है? देखिए, व्यक्तित्व की जहाँ तक बात है तो हमारे वो पड़ोसी हैं, वो भी मिर्ज़ापुर के रहने वाले, हम भी मिर्ज़ापुर का, जो पुराना हमारा घर खुनीपुर साहबगंज में है, मेरा उनका घर बिल्कुल आमने सामने है। व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई इनकार नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी का सिंबल, जो उस सिंबल से जीत के आता है, मैंने बताया इससे पहले भी कि वो सिर्फ एक कठपुतली होता है और जो दिशा निर्देश पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी करते उतना ही काम करता है। जैसे एक घर का एम्प्लाई होता है कि एम्प्लाई को जितना बोलेंगे उतना ही वर्क करेगा। तो क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो है गोरखपुर का विकास नहीं चाहते हैं? अब ये तो जय भाई गोरखपुर का अगर कठपुतली ही मान लीजिए, जो मेयर हैं या फिर जो पार्षद हैं, अगर कठपुतली ही मान लीजिए, तो क्या लगता है योगी आदित्यनाथ गोरखपुर का विकास नहीं चाहते हैं? नहीं, गोरखपुर का विकास अगर योगी आदित्यनाथ जी चाहते तो इससे पूर्व में भी 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे और अब भी मुख्यमंत्री हैं। सिवाय लोगों को घरों तोड़ने का, रोड चौड़ीकरण करने का और मंदिर से एयरपोर्ट अपने मार्ग को सही कराने के अलावा अगर गोरखपुर में उन्होंने कुछ और कराया हो तो आप दिखा सकते हैं, ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं किया। और हम लोग निरंतर 2006 से
समाज सेवा में हैं और मैं ऑल इंडिया कौमी एकता कमेटी पूरे प्रदेश में चलाता हूँ। 17-18 जिले में हमारे संगठन तैयार हैं और भी आगे काम चल रहा है। मैं 2006 से गोरखपुर जनपद में मैं बहुत से सेवा कार्य के काम करता हूँ, जैसे धार्मिक स्थलों पर स्वागत द्वार लगाना, प्रसाद वितरण करना, कृष्ण आश्रमों में हर माह गरीबों को भोजन उपलब्ध कराना, जन समस्याएँ वार्ड वार्ड जाकर देहातों में भी मैं गया हूँ और लोगों की जो भी जन समस्या रही हम लोग अपने स्तर से जो भी पूरा करा सकते तो उसको मैं करने कराने का काम किया है। और इस वक्त मतलब महानगर में मैं जो घूम रहा हूँ तो लोगों की ये राय है कि अशफाक भाई आप चुनाव लड़ें, आप महापौर का चुनाव लड़ें, क्योंकि गोरखपुर बदलाव चाहता है। एक बार यहाँ किन्नर को लोगों ने विजेता बनाया रोस में आकर, तो कुछ नया चाहते हैं और आप युवा हैं, आप कुछ करेंगे और आप महापौर की तैयारी कीजिए और पूरे महानगर की जनता हमारे साथ है, वार्ड की जनता हमारे साथ है, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपने कहा कि महापौर जी कठपुतली हैं, एक बात हमको समझाइए कि जब आप जो है महापौर बन जाएंगे, योगी आदित्यनाथ जो है सीएम रहेंगे, जो तमाम चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द घूमती हैं गोरखपुर से जुड़ी हुई, क्या लगता है उस समय जो विकास कार्य है तेजी मिल पाएगी या फिर रुकावट आएगी, ये थोड़ा समझाने का प्रयास करें। देखिए जो वर्तमान पद पर होता है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मेयर हो, पार्षद हो, जो भी हो, वो अपनी क्षमता अनुसार काम कराता है, अपने संघर्षों के बल पर काम कराता है। मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, अगर निवेदन से मेरा काम करते हैं तो मैं दूसरा आंदोलन का रास्ता तय करूंगा, पर जन समस्याओं का निस्तारण कराऊंगा, ये हर हाल में तय है। अच्छा एक बात बताइए, अभी हाल ही में जो है नगर निगम ने हाउस टैक्स को बढ़ा दिया था जी, हालांकि अब उन्होंने वापस ले लिया है, पुराने तौर पर ही जो है हाउस टैक्स वसूले जाएंगे, क्या लगता है कि जो हाउस टैक्स है उसको ये चुनाव के मद्देनज़र वापस ले लिया गया है या फिर कोई और कारण है या फिर जनता के विषय में सोचकर ही निर्णय लिया गया है? ऐसा कुछ नहीं है, हम व्यापार प्रकोष्ठ से भी हैं, जब इस तरीके से शहर के अंदर लोगों का टैक्स बढ़कर आया तो इसका माननीय जिलाधिकारी महोदय की मीटिंग में हम लोगों ने व्यापार मंडल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, मैं पदाधिकारी हूँ और भी कई संगठनों में बिस्कुट मर्चेंट एसोसिएशन का मीडिया प्रभारी हूँ, हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से इसका विरोध किया और कई बिलें ऐसी दिखाई जो कॉम्प्लेक्स के बिल 30,000 आते थे, 1,20,000 आ गए, 1,30,000 आ गए। उस विरोध को जब DM साहब ने हम लोगों ने देखा तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव रखा कि आपका गृह जनपद है, बहुत बदनामी होगी, तब इसको पुनः जो है वापस लेने का काम किया गया है। और अभी भी बहुत से ऐसे टैक्स जिन्होंने जमा कर दिया भयवंश और उनका तो चला गया पैसा। अच्छा एक बात बताइए, जब वार्ड कवर कर रहे थे हम लोग तो एक और समस्या देखने को मिली कि जो विरोधी पार्टी के प्रत्याशी हैं या फिर पार्षद हैं उनका कहना है कि नगर निगम और आला अधिकारी जो है उनकी बेहतर ढंग से सुनते नहीं हैं, बावजूद इसके जो सत्ता पक्ष के पार्षद हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस के महापौर जाएंगे तो क्या लगता है नगर निगम उनकी बेहतर सुनेगा? देखिए ये हमेशा से रहा है, चाहे समाजवादी सरकार रही हो, चाहे BSP की रही हो, चाहे इस समय भारतीय जनता पार्टी की रही है, ये अक्सर देखा गया है कि सत्ता पक्ष का ज़्यादा दबाव होता है, सत्ता पक्ष का ही लोग ज़्यादा सुनते हैं, पर जिसमें क्षमता होती है, बहुत से पार्षद ऐसे हैं जिनके अपने अंदर गुडविल है, जो अपनी क्षमता से अपने काम को करवाने का तरीका जानते हैं वो कराते हैं। अब जो विपक्षी जो गाते हैं कि सत्ता पक्ष की सुनी जाती है, हमारी नहीं सुनी जाती है, तो उनकी ये कायरता है, आप अपने हिसाब से आंदोलन कीजिए, आपका आंदोलन का रास्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दे रखा है, उस संविधान पर आप लड़िए, क्यों नहीं काम होगा, कराने वाला चाहिए। अच्छा नगर निगम, अगर नगर निगम जो लगातार एक बजट का रोना रोता हुआ आया है, कोई व्यक्ति अगर उनके पास कोई समस्या लेकर जाता है, कोई पार्षद उनके पास कोई समस्या लेकर जाता है, तो एक चीज़ सुनने को मिलती है कि ये काम इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि बजट का अभाव है और बजट उपलब्ध होने के बाद जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अगर ये सारी समस्याओं से आप जूझते हुए नजर आएंगे तो उसके विषय पे कैसे मतलब इसको हैंडल करते हुए नजर आएंगे? कहीं इसमें नगर निगम कर्मचारियों अधिकारियों को दोष नहीं दिया जा सकता है, ये सरकार का होता है। जैसे आप देखे होंगे महाराज जी खरबों की योजना दिखा रहा है नगर निगम के अंदर, पत्थर पे जो है शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन अगर नगर निगम खुद कह रहा है कि हमारे पास बजट का दिक्कत है या परेशानी है, तो इस चीज़ को सरकार से सवाल होना चाहिए कि आप करोड़ों खरबों अरबों दिखा रहे हैं। योगी जी जब गोरखपुर आते हैं लगातार जो है सौगात किसी न किसी रूप में देते हुए, सिर्फ पत्थर पे होता है और कोई ज़मीनी काम नहीं हो रहा। अच्छा गोरखपुर के 5 ऐसे मुद्दे जो आपको जेन्युइन लगते हैं कि अगर आप वहाँ पे अगर महापौर बनते हैं तो वो 5 जो काम है वो प्राथमिकता में रहने वाले हैं? सबसे पहले जो शहर में आज महामारी फैली हुई है आप देखे हुए हैं, डेंगू ऐसा और भी तमाम बीमारियाँ आती हैं, सबसे बड़ा चीज़ है पहले उसका रोकथाम दवाओं के छिड़काव से या जो भी चीज़ें सुविधा मुहैया करा के, ये सारी चीज़ों से निजात दिलाना,
दूसरी चीज़ शुद्ध पानी। बहुत से गोरखपुर में ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ शुद्ध पानी नहीं मिलता है और पानियों की वजह से काफ़ी बीमार लोग पड़ते हैं, बच्चे बीमार पड़ते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि रोड, जो गलियों की रोड हैं, जैसे आए दिन देखिएगा आप, रोडें सही हो जाती हैं लेकिन गलियों की जो रोड होती है पार्षद अपने स्तर से नहीं करा पाते हैं, रोडों का सही करना जिससे आमजन को कोई दिक्कत ना हो। तीसरी चीज़ है जो जल निकासी, जो शहर में जल निकासी सबसे बड़ी समस्या है कि मोहल्लों में घुटने से ऊपर तक पानी भर जाते हैं, उसका निस्तारण कराना, रोड को ऊंचीकरण कराना, नालियों की साफ़ सफाई कराना। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में जब 10-15 दिन पहले जब बारिश हुई थी तो उस समय जो गोरखपुर की स्थिति थी पानी को लेकर, जल जमाव की स्थिति जो पैदा हुई, उसको किस हिसाब से देखते हैं, क्या कारण रह गया कि ये स्थिति जो है पैदा होती लगातार हर साल नज़र आती है? ये सवाल मुख्यमंत्री का जनपद है और ये बुरी दुर्दशा हम लोगों को देखने को मिली। ये काम गिनवाया कि प्राथमिकता में रहेंगे इसलिए मैंने पूछा। जी जी, तो ये मुख्यमंत्री का जनपद, उसी को मैं बता रहा हूँ कि ये मुख्यमंत्री का जनपद है और आप 6-7 वर्ष से आप मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद आपका गृह जनपद जब नहीं आप सही कर पा रहे हैं तो पूरे प्रदेश का क्या करेंगे आप। और रही बात हमारी, अगर जनता चुनकर महापौर हमें बनाती है, पार्टी हमें प्रत्याशी के रूप में भेजती है, तो जरूर बेशक इन सब चीज़ों पे काम होगा, और निवेदन से होगा तो निवेदन से होगा, संघर्ष से होगा तो होगा, लेकिन काम ज़रूर होगा। तमाम लोग जो गोरखपुर से जुड़े ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? लोगों से यही कहना चाहते हैं कि अगर पार्टी हाईकमान या हमारे जो उच्च नेता हैं, माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रांतीय अध्यक्ष जी, माननीय हमारे आदर्श नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, अगर इन लोगों की दुआ और आशीर्वाद से हमें टिकट मिलता है तो जनता से यही निवेदन है कि हमें सहयोग करें। जैसे आप लोगों ने एक बार यहाँ कायाकल्प पलटने का काम किया था और जिस आशा से उनको आपने चुना उन्होंने वो काम नहीं किया, एक बार मौका दीजिएगा, उस आपकी आशा और उम्मीद पर पूरा खरा उतरने का काम करूँगा। ये हमारे साथ अशफाक हुसैन जी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौमी एकता कमेटी के, और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह तले उम्मीदवारी कर रहे हैं महापौर पद की। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होता है कि गोरखपुर के जनता जो है वो क्या बदलाव चाहती है, क्योंकि सीताराम जायसवाल जी लगातार जब पार्षदों से बात होती है तो ये कहते नज़र आते हैं कि गोरखपुर में विकास हुआ है। इनके अनुसार ये लगता है कि जो जल जमाव की स्थिति है उसे सुदृढ़ करने में अगर ये आगे आते हैं तो वो बेहतर हो पाएगा। साथ में डेंगू की जो समस्या लगातार बनी हुई है गोरखपुर में, जो OPD है वो लगातार डेंगू बीमारी से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनसे भरता हुआ नज़र आ रहा है, उसको सुधारने की व्यवस्था जो है, छिड़काव की व्यवस्था, इनके अनुसार की अगर ये बनते हैं तो वो भी करवाई जाएगी और तमाम मुद्दे जो है इनके द्वारा वो कहे गए। ऐसे में ये दिलचस्प होगा देखना कि अगर निकाय चुनाव में परिवर्तन होता है तो विकास की निरंतरता किस हिसाब से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। नमस्कार।